दोस्तों, साइंसदान हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसा कारनामा सरंजाम देते हैं जो कि इंसान की सोच और अकल से बालातर होता है। दोस्तों, ऐसे ही मामलात इंडिया के अंदर एक मारूफ मैगजीन में शाया हुए, जिनमें बताया गया कि साइंटिस्ट दो मुख्तलिफ जानवरों का क्रॉस करवा के एक नई स्पीसीज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको पांच ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका इस दुनिया में आज से पहले कोई वजूद नहीं था, लेकिन इन्हें साइंटिस्ट ने दो मुख्तलिफ जानवरों को क्रॉस करवा कर पैदा किया। ये कौन से जानवर है, आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। नंबर 5, लियागर। दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है जो कि लायन और टाइगर यानी शेर और चीते के क्रॉस से तैयार किया गया है। दोस्तों, ये बिल्लियों के खानदान का एक जानवर है जो कि इससे पहले मौजूद नहीं था। इसका वजन तकरीबन 400 किलोग्राम तक होता है और इस वक्त जो सबसे बड़ा लाइगर प्रोड्यूस किया गया है उसका वजन 725 किलोग्राम है और इसे हरकुलिस का नाम दिया गया है। ये इतना बड़ा और ताकतवर है कि साइंटिस्ट ने इसे हर वक्त पिंजरे के अंदर कैद रखने की गुजारिश की है। दोस्तों, ये बहुत मजबूत और इंतहाई खतरनाक है। ये पूरे के पूरे जंगल को तबाह बर्बाद कर सकता है, इसलिए इसे एक लम्हे के लिए भी जंगले से बाहर नहीं निकाला जाता। नंबर 4, लकामा। दोस्तों, लामा और ऊंट का मिक्स क्रॉस करवाने के बाद एक नया हाइब्रिड पैदा किया गया। ये वाकया 14 जनवरी सन 1998 को दुबई में सबसे पहले पेश आया, जब एक लामा और कैमल का क्रॉस करवाया गया। दोस्तों, ये क्रॉस इसलिए करवाया गया ताकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत ऊंट और लामास की आगे की वैरायटी पैदा की जाए। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नतीजे में पैदा किया गया और ये नॉन फर्टाइल है, यानी ये आगे मजीद जानवर पैदा करने से कासिर है। अगर आपने लकामा प्रोड्यूस करना है तो आपको लामा भी चाहिए और कैमल भी, यानी आप इन दोनों को बर वक्त एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे और इसके नतीजे में पैदा होने वाला जानवर लकामा कहलाएगा। नंबर 3, जिगेलियन। दोस्तों, जैगुआर और लाइनस यानी के तेंदुए और शेरनी के क्रॉस से पैदा किया गया ये जगेलियन इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही फास्ट होता है। दोस्तों, ये कनाडा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इस वक्त महफूज किया गया है और ये अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही प्रोड्यूस किए गए हैं। दोस्तों, ये इतना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ कि इसे दोबारा प्रोड्यूस करने की हिम्मत साइंसदानों को हुई ही नहीं और गवर्नमेंट की तरफ से इसे दोबारा प्रोड्यूस करने पर पाबंदी लगा दी गई। जगेलियन अपनी जात में इतना फास्ट और इतना खतरनाक है कि अगर आप इसे खुला छोड़ दें तो ये इर्द गिर्द के तमाम इंसानों समेत सब जानवरों को तबाह बर्बाद करने की खासियत रखता है। दोस्तों, आप इन लोगों के क्रॉस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2, डीजियो। दोस्तों, गाय और यॉर्क का क्रॉस करके एक नया जानदार पैदा किया गया जिसका नाम है डीजियो। इसको प्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध हासिल किया जा सके और ज्यादा गोश्त हासिल किया जा सके। दोस्तों, इन्हें मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बाकायदा घरों में पाला जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होते, साथ ही साथ ये ज्यादा दूध देते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रोड्यूस किए गए जानदारों में इनका नंबर बहुत ऊपर आता है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे आखिर में नंबर 1, जोंकी की। दोस्तों, ये जीब्रा और डोंकी का एक ऐसा क्रॉस है जो कि आप लोग इसलिए करवाते हैं ताकि आप लोगों को एक नया जानदार मयसर आए जो स्ट्रॉन्ग भी हो, फास्ट भी हो और बहुत ज्यादा काम भी कर सकता हो। दोस्तों, जीब्रा और डोंकी इन दोनों का क्रॉस करवा के हम लोग जोंकी प्रोड्यूस करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से होता है। हम इन दोनों को बराह रास्त मेटिंग नहीं करवा सकते, यानी इन दोनों के दरमियान सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का जिंसी मेकअप बहुत डिफरेंट होता है, इसीलिए इन दोनों के स्पर्म्स और एग्स लेकर इन्हें लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, अब तक दुनिया के अंदर बेशुमार जोंकीज प्रोड्यूस किए जा चुके हैं जिनसे अपनी मनमर्जी के फायदे भी लिए जाते हैं। दोस्तों, इस सारे प्रोसीजर को आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कुछ लोग कहते हैं। इसके बारे में हम और वीडियोस भी बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का और स्टफ भी प्रोड्यूस करके दिखाया जाए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। द ग्रीन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।